सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिक। कैसे हो? आई थिंक सभी सभी अच्छे हो गए यार। ये टॉपिक होने वाला है लाइक आप सभी का बनता होगा यार, रनिंग करने जाते हो, अच्छी टाइमिंग। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रनिंग का टाइमिंग कितना आ रहा है। आप ये कमेंट करके बता सकते हो 6.5 मिनट है, बबा रहा है 6.5 मिनट का मारे। पहला नंबर तो आप सभी रैली भर्ती के थ्रू या फिर एयरफोर्स एग्जाम के थ्रू मीन्स फेस सेकेंड एग्जाम जब देने जाते हो या फिर एक दिन में रैली पर क्लियर हो जाता है, रैली पर पहले रनिंग ही होता है, या फेस सेकेंड देने जाओगे एयरफोर्स स्टार वाला एग्जाम, तो उसमें जो रैली भर्ती होता है उसमें कहाँ पर रनिंग कराया जाता है इसके बारे बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करूं अंशु भाई। सो कुछ अपना एक्सपीरियंस है, 3-4 सेंटर का अपने को अच्छे से पता है और 5-6 का अपने ने रिव्यू दिया, तो मोस्टली हर एक सेंटर का पता है रनिंग कहाँ पे कैसे क्या होता है। तो पहला नंबर फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल देखो बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन ऐसा क्या 6.5 मिनट से भाई ज़्यादा टाइम आता है कि हमें ले लेते हैं? एयरफोर्स में ऐसा भी होता होगा, किसी का डाउट बनता होगा तो डैम श्योर बाहर कर देते हैं 6:30 पे। अगर एग्जैक्ट आ जाते तो आपको अंदर कर लेंगे, 6:35 पे तो भी अंदर कर लेंगे, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम होता है 6:40 तक तो बाहर कर देंगे। मीन्स आपको 6:30 आ जाना चाहिए घर पर, तो वहाँ पर आप आराम से मार। ठीक है, सबसे पहले रनिंग होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टास्क में अगर बोलूं तो आपका पीएफटी में लाइक वो होता है मतलब कि पुशअप्स। ठीक है, पुशअप्स करने का मैं बन सके का तो एक तरीका बताऊंगा कैसे। वो कहते हैं फ्लैट कर लो बॉडी को लाइक ऐसे बिल्कुल शेप से, तो मैं करके बताऊंगा आपको। बहुत बिल्कुल आगे बगल में खड़े हो जाते हैं और जो जो रुक जाता है बार बार, मतलब शायद जिसके हाथ ट्रेम्बल करने लगते हैं उसे खड़ा करा देते हैं 8-9 पुशअप्स के बाद, और फिर से कराते हैं। तो बहुत होते हैं जो मार देते हैं दोबारा कर देते हैं, लेकिन दोबारा बहुत होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। ये पीएफटी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आता है स्क्वाट्स का नंबर। स्क्वाट्स लाइक हाथ स्टैंड करके अप एंड डाउन होना होता है, अप एंड डाउन होना होता है, ये आपको 20 करनी होती है, बस इतना ही आपका होता है, ये आपका हो जाता है। आपका चिनअप्स की बोले तो चिनअप्स होते हैं कि अंशु भाई चिनअप्स नहीं होते यार, इंडियन एयरफोर्स पे इंडियन आर्मी पे जरूर होते हैं, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं। अगर रनिंग करने जाते हो तो जरूर किया करो यार, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग अंशु भाई आप बताओ कहाँ पे। पहला नंबर 3SC चकेरी कानपुर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बार पीएफटी दिया है और 3 बार रनिंग हुआ है, और रनिंग पे बहुत अच्छा खासा ट्रैक है भाई, ऑलमोस्ट 50 मीटर अगर मैं बोलूँ तो उसका विड्थ है, और लगभग मतलब जैसे कि मेरे बैच में 150 कैंडिडेट्स थे हमेशा, तो ऐसे मतलब डबल पे ही पूरे एक रूम में बैठ गए, और जहाँ पे सेंटर है उधर से आपको बस में लेके जाएंगे, और लगभग मैं बोलूँ तो 1.5 किलोमीटर दूर पे, और आपको जब दौड़ के आना होगा तो सेंटर के क्लोज ही आपके दौड़ के आ जाओगे। उधर से दौड़ाते हैं और लगभग मैं बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 1500 मीटर का ट्रैक होगा, और रोड पे ही रनिंग होता है आपका कानपुर सेंटर पे। ठीक है, कोई दिक्कत अभी इधर का कोई भी दिक्कत नहीं बना होगा, इतना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे भी ग्राउंड वगैरह है, लेकिन मोस्टली रनिंग आपका होता है। मैंने 3 बार दिया और 3 बार रनिंग वहीं पर हुआ है, और एक बार कैंडिडेट मतलब कि ऐसा आ गया। नेक्स्ट आता है 3SC चकेरी कानपुर। ठीक है, अगला आता है 2SC डेली रेस कोर्स कैंप। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा था, और फर्स्ट टाइम था तो जब मैंने फेस फर्स्ट क्लियर किया तब निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो जब वहाँ पे पहुँचे फेस सेकेंड एग्ज़ाम देने के लिए तो उधर मतलब जब रनिंग के लिए पहुँचे तो भाई डर लग रहा था, क्योंकि इधर 6:40 टाइमिंग आता था। फर्स्ट टाइम था 12th क्लियर करने के बाद, 2000 सेप्टेम्बर वाला पेपर दिया था, नवंबर में था फेस सेकेंड एग्ज़ाम। ठीक है, तो जब पहुँचे वहाँ पे तो भाई डर लग रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं। अब जब रनिंग का नंबर आया तो भाई एक साथ पूरे के पूरे बैठा दिए लगभग 200 कैंडिडेट को, और जो रनिंग था मैं बोलूं तो लगभग केवल 10 नहीं 12 फुट आप मान लो, एक रोड होता है ना 12 फुट, ठीक है 12 फीट जिसे बोलते हो, 12 फुट केवल इतना, लगभग यार लगभग मैं बोलूं 50 मीटर ऐसे सभी के सभी लड़के बैठे। सर ने मोटिवेट किया थोड़ा सा और अचानक से भगा दिया भाई, पाँव इधर पड़ रहा उधर पड़ रहा, मतलब 2-3 बार रास्ते में गिरे। ठीक है, ऐसा 6:40 टाइमिंग आता था, लेकिन ये लग रहा था कि बस लास्ट में ये लगा कि यार हटाओ नहीं करना एयरफोर्स। ठीक है, लेकिन ये लगा आई एम कम फ्रॉम विलेज, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो फिर तो भी तो दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा मतलब एक अपने वो हट वाली बात बता दी, ऐसा आया था उस टाइम मेरे दिमाग में जब रनिंग कर रहा था, तो फिर मैंने मारा और पहुँच गया था 8वें 9वें नंबर पर आ गया था। लेकिन हुआ क्या, बहुत मतलब लातें पड़ रही थी इधर उधर, छोटा सा ट्रैक है मतलब रनिंग गलियों टाइप में, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि सर्कल पे, और वहाँ पे रोड पे ही रनिंग होती है उधर भी, दिल्ली की बात बता रहा हूँ। ऐसे आपका सर्कल नहीं है कोई, ऐसे बार बार आपको टर्न लेने पड़ेंगे, वहाँ पे खड़े जरूर होंगे, जगह जगह पे आपको स्टैंड्स लगे होंगे, कानपुर पे भी लगे हैं वहाँ पे भी लगे दोनों पे, कि कितना बच्चा है, या फिर सर बगल में खड़े होते हैं एयरमैन खड़े होते हैं उनसे पूछ सकते हो, जो भी खड़ा हो खड़े रहते हैं एयरमैन ही हो सकते हैं मोस्टली, तो वो बताते रहते हैं कि अभी इधर इतना बच्चा है इतना उतना, अगर आप पूछोगे आप वॉच बांध के दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, जैसा चाहो तैसा दौड़ सकते हो, बस आपका क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। अब अदर एससी की बात कर लेता हूँ। अदर एससी पे मैंने कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं अंबाला का बता देता हूँ, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, बैंगलोर या फिर आपका कोची, इन सभी सेंटर्स, चेन्नई, इन सभी सेंटर्स, भोपाल, मोस्टली भोपाल, इन जितने भी सेंटर्स हैं ना यार, यहाँ पे कभी भी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने इन सभी सेंटर्स का रिव्यू दिया है। यहाँ के सभी कैंडिडेट्स के अपने पास नंबर हैं, और नंबर के बेसिस पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर कभी भी रोड के अलावा रनिंग ही नहीं हुआ, मतलब हमेशा रोड पर ही रनिंग होता है, मोस्टली करके रोड पर ही रनिंग होता है। तो आपका भी जो रनिंग होगा वो रोड पे ही होने वाला है, मतलब आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि रोड पे मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि रोड पे होगा। मैं बता दूं, नेवी पे मैंने दो बार रनिंग किया है, नेवी पे एक बार, पंजाब पे, ठीक है, पंजाब पे अभी भी मुझे उस सेंटर का नाम ही नहीं आता, जबकि बहुत फेमस है, हाँ, जालंधर पे है, ठीक है, उधर जो, तब मैं जालंधर पे जब मैंने नेवी का क्लियर किया था तो उधर बस ग्राउंड पे रनिंग हुआ था, बिल्कुल मज़ा आ गया था दौड़ने में, और बाकी हर जगह उस पे रोड पे ही रनिंग हुआ। तो रोड पे जब रनिंग होता है तो रोड पे रनिंग का एक बात ही अलग हो जाती है, बाकी आप फ्लैट मतलब कि ग्राउंड पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो मोस्टली आप जितने भी सेंटर पे, भोपाल पे जाने वाले हो, सिकंदराबाद तो होने वाला नहीं है, अपना बैंगलोर सेंटर पे जाने वाले हो, कोच्ची पे जाने वाले हो, या इन सेंटर्स पे जाने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका रनिंग रोड पे ही होगा। और हाँ, अंबाला पे बोल दूँ, राजस्थान पे, जोधपुर पे बोल दूँ, भाई जब जोधपुर का मैंने जब रिव्यू दिया तो दोस्त बता रहा था कि भाई बिल्कुल लास्ट में ऐसे चढ़ना, चढ़ाई टाइप में करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना, बाकी आप कर जाओगे। उत्तराखंड देहरादून पे पड़ता है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। यही था जो रोड वर्सेज ये हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आप सभी तैयारियाँ करते रहो। एक बात अपने दिमाग में और बैठा लेना, आपको पीएफटी में किसी भी कंडीशन में आउट नहीं होना। पीएफटी पे आउट हो गए तो भाई मुझे नहीं पता यार, पीएफटी पे कैसे आउट हो सकते हो, एक तो इतनी मेहनत से पेपर क्रैक करते हो, उसके बाद पीएफटी में आउट हो जाते हो, तो पीएफटी पे नहीं आउट होना, एक रिजॉल्व टाइप में कर लेना अपने आप में। दूसरी बात, आप अगर एयरफोर्स, एक्शन, वाई ग्रुप, नेवी, डबल, एसएसआर, एमआर की तैयारी करते हो, परीक्षा पे बेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है, आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, निगेटिव मार्किंग होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आप कंप्लीट करके देख सकते हो, स्पेशली फॉर रैली एग्जाम, स्पेशली फॉर एयरफोर्स या नेवी, मतलब एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या फिर नेवी डबल एसएसआर एग्जाम के लिए, सबके लिए वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं वो दिखा दूंगा, बाइक करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का ऑफ मिल जाएगा, और उससे आपका टेस्ट सीरीज का प्राइस ₹140 हो जाएगा, उससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन लगाना जो आपके लिए बेटर होने वाला है। फिर भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली नंबर वगैरह कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉल पर भी बात कर लूँगा। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, ऑल द बेस्ट।